सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं तो सिलीगुड़ी फ़िश फार्म में। तो इधर होलसेल और रिटेल दोनों आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़िशेस आपको मिल जाएंगे। इधर सब वेराइटीज़ में आपको फ़िश मिलेगा। तो इधर का जो ओनर है उससे हम बात करेंगे। तो भैया थोड़ा फेस रिवील करने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम है, तो वो फेस रिवील नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए पूछ लेते भैया से क्या है उसका नाम और क्या इसका एड्रेस है। तो भैया पहले आप बताइए कैसे आप। अच्छा, वो बोलिए। तो आपका शॉप का अगर लोकेशन एक बार बता देते तो अच्छा होता। ईस्टर्न बाईपास बिहाइंड ढाकेश्वरी काली मंदिर सिलीगुड़ी। अच्छा, तो आप लोग इधर सिर्फ होलसेल करते हैं या रिटेल? देखिए, मेरा मेनली पर्पस होलसेल है, रिटेल भी होता है, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं है। किसी को चाहिए आराम से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 8250156654। ओके, अगर आप लोगों का होलसेल या रिटेल आप होम डिलीवरी करते कि आके लेना पड़ेगा? ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी पॉसिबल होगा। सिलीगुड़ी में एक मिनिमम अमाउंट का आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों को मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिलीवरी चार्जेस पेयर करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो अगर कोई सिंगल पीस या कुछ जैसे वैरायटी ऑस्कर हो गए या कोई भी चीज़, मतलब छोटे जो कम प्राइस के जो फिशेस है वो अगर क्वांटिटी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लेंगे तो उसको होम डिलीवरी मिल जाएगा? आराम से मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आपको एक फ़िश चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट क्या होता है कि आपको अगर इन केस होम डिलीवरी चाहिए, देखिए जैसे कि अगर मैं पकड़ लूँ कि 30 रुपये एक वीडो का प्राइस हो गया, 30 रुपये का वीडो अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए माटीगारा में, तो उसका 40-50 रुपये का होम डिलीवरी चार्ज हो गया, तो वो आपको तो परवरेगा नहीं ना प्रॉपरली। जी जी बिल्कुल सही है भाई। तो अगर आप लोगों को कम प्राइस वाला फ़िश लेना है तो अगर आप आ सकते, आपका पॉसिबल है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आ सकते हैं भैया को कॉल करके। तो भैया अगर कोई कॉल करे तो कॉलिंग का टाइम क्या रहेगा? एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24x7 अवेलेबल। ओके ओके, 24x7 आप कॉल करके आ सकते। तो भैया जैसे कि हम इधर वीडियो देख सकते, तो ये वीडियो का साइज़ कितना है और ये प्राइस कितना है वो थोड़ा बता दीजिए। प्राइस हम लोग रिटेल में ही जाएंगे मेनली, और जो साइज़ है ये मैक्सिमम साइज़ है, ब्रीडिंग का साइज़ हो जाएगा। इस मोमेंट पे आज के डेट पे सिलीगुड़ी में आपको ये साइज़ कहीं पे नहीं मिलने वाला, मेरे को जितना मालूम है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको अगर रिटेल बोलूँ तो इसका मैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलता हूँ, फिर भी इतना होगा नहीं, 35 पकड़ लीजिए। ओके, तो 35 पे अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस है तो होलसेल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है प्राइस होगा। आराम से, कोई बात नहीं, आप आइए, आपको क्वांटिटी में जब जितना क्वांटिटी बढ़ेगा उतना प्राइस नीचे जाएगा। ओके, तो आप जैसे देख सकते 35, तो मैंने भी वीडियो रखा था तो वो 38 करके लिया था। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि आप मैंने जिस शॉप से लिया था 38 करके, तो इधर भैया बोल रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स 35 नहीं होगा, फिर भी वो मैक्स रिटेल प्राइस पकड़ के चल रहा है 35। तो काफ़ी कम प्राइस है मुझे लगता है, बल्कि वीडियो 45-50 पे भी मिलता है। और जो कलर से उसका कलर क्वालिटी और साइज़ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन साइज़ और कलर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और पानी भी देख सकते हैं, जैसा बाकी बहुत सारे ऐसे शॉप्स है कि पानी बहुत गंदा रहता है, वैसा क्लियर नहीं रहता, लेकिन इसमें आप देख सकते काफ़ी वेल मेंटेन है हर एक एक्वेरियम, ठीक है। तो इधर से आप परचेस कर सकते। तो भैया ये कौन सा एंजल है ये थोड़ा बता दीजिए? ब्लैक मार्वल। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या आएगा रिटेल में? ये आपका रिटेल में 25 मैक्सिमम। अच्छा, इसका मैक्सिमम 25 आ जाएगा। और इधर जो है ये क्या, कौन सा है? ये मिल्की कोई है, इसमें दो साइजेस का है, एक बड़ा साइज़ भी है एक छोटा साइज़ भी है, छोटा एक्चुअली मीडियम साइज़। अच्छा, ये इसका आपका तकरीबन मीडियम वाला जो है वो 3 इंच के आसपास होगा, और जो बड़ा वाला है वो आपका नियर अराउंड 5 इंचेस। ओके, और प्राइस क्या आएगा रिटेल में? मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ, एवरेज में मैं बोल रहा हूँ 35-30। ओके ओके, 35-30, तो काफ़ी अच्छा डील मिलने वाला है ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्वेरियम के शॉप है जिधर हम बाद में जाएंगे। तो मैंने जिधर जिधर घूमा है एक्वेरियम के फ़िश के लिए, तो उधर से इधर का जो प्राइस है वो काफ़ी लो कॉस्ट है और क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा भैया, ये वीडियो का कौन सा कलर अभी आपके पास अवेलेबल है? ग्रीन, येलो, पर्पल और रेड। अच्छा, चार कलर आपके पास अवेलेबल है अभी?
एक और साइज का विडो है जो आप देख सकते हो ऊपर में है जी, जी उसमें भी एक दो कलर वेराइटीज आपको मिल जाएगा, बट वो बहुत छोटा साइज का है एक्चुअली। जी जी, और बाकी जो बड़ा साइज है ये ब्रीडिंग पेयर है ना? आराम से। ओके ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं इस सेक्शन में, ये कौन सा एंजल है? कोई गोस्ट एंजल। कोई गोस्ट, और इसका क्या साइज रहेगा? इसका एक्चुअली एंजल का तो प्रॉपर इंचेस के हिसाब से साइज नहीं होता, एक 10 रुपए का डॉलर अगर आप पकड़ लो तो उससे थोड़ा सा छोटा होगा। अच्छा। मतलब सिर्फ उसका बॉडी, नॉट टेल्स, बिकॉज वेल टेल है, टेल बहुत लंबा होता है इसका। ओके ओके, और क्या रिटेल प्राइस आएगा इसका? नियर अराउंड 30। ओके, तो देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत एंजल है, 30 रुपीज़ रिटेल प्राइस में आपको अगर मिल रहा है ऐसा क्वालिटी, तो मुझे लगता है आपको देरी नहीं करना चाहिए, फटाफट से नंबर पे कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए, और अगर आप नियर अराउंड कहीं पे लोकेशन पे रहते तो आ जाइए, देख के आप आराम से चूज़ करके फ़िश ले सकते। तो नीचे जो, तो भैया ये कौन सा फिश है? ये हो गया आपका टाइगर बाब। अच्छा, इसका रिटेल प्राइस क्या पड़ेगा? इसका रिटेल आपका 15 रुपीज़ के आसपास। 15 रुपीज़, तो देख सकते हैं टाइगर बाब आपको नियर अराउंड 15 रुपीज़ पे आ जाएगा। कलर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर क्वालिटी भी अच्छा है, और जैसे कि मैंने बोला हर एक एक्वेरियम का वेल मेंटेन किया गया है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भैया इधर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, अच्छे साइज़ का ऑस्कर से, ठीक है, तो इधर क्या कौन सा ऑस्कर है और क्या रिटेल प्राइस है और क्या साइज़ है इनका? इसका एक्चुअली दो ही टाइप का ऑस्कर है अभी, एक टाइगर ऑस्कर और दूसरा एल्बिनो टाइगर। अच्छा, दोनों का ये? सिर्फ ये जो सामने आप देख रहे हो ये सिर्फ नॉट फॉर सेल है, बाकी सब जो है वो सेल के लिए है। जो बाकी का फिशेज है वो सब ये नियर अराउंड आपको 250 में मिल जाएगा। इसका साइज़ है 5.5 से 6 इंचेस के आसपास। और भैया ये बोलते हैं कि ऑस्कर के लिए एक वेल मेंटेन टैंक चाहिए, इसका अच्छा खाना चाहिए, और हफ्ते में एक बार या दो बार इसका जो टैंक है वो साफ़ करना चाहिए, नहीं तो ऑस्कर ठीक से नहीं रह पाता है, ज़िंदा नहीं रह पाता, तो ये मिथ है या ट्रूथ है? देखिए ऑस्कर बहुत हार्ड फिश है, सिर्फ ऑस्कर के लिए नहीं, हफ्ते में एक बार हर कोई फिश के लिए, जो भी फिश हो उसके लिए ही आपको पानी चेंज करना चाहिए 30-40% डिपेंडिंग ऑन योर वाटर कंडीशन। फिर आप ऑस्कर के लिए करो या फिर किसी और फिश के लिए करो वो बात नहीं है, हर फिश के लिए करना चाहिए, ये मस्ट है। बट ऑस्कर एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदगी करता है टैंक में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर देना चाहिए। और खाना तो नॉर्मली देखिए हर फिशेज ही खाता है, अभी जितना क्वांटिटी एक फिश खा पाता है उससे अगर आप ज़्यादा दोगे तो वो तो मछली मरेगा ही, बिकॉज उसको उसको कोई प्रॉपर सेंस नहीं है कि मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए इतना खाना अच्छा रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एब्जॉर्व करना है आपके फिश को कि वो कितना खा पाता है। तो जैसे कि आपने सुना कि हर कोई फिश के लिए, हर एक फिश के लिए जो है हफ्ते में एक बार आपको टैंक साफ़ करना चाहिए, और खाना भी आपको एकदम जो सही क्वांटिटी है, राइट क्वांटिटी पे आपको प्रोवाइड करना होगा हर एक फिश के लिए। तो भैया इधर कौन सा फिश है? ये हो गया आपका सिकलेट्स। अच्छा, ये इसमें अभी एक्चुअली मिक्स है, इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू का भी है, ये एक्चुअली इम्पोर्टेड का ही है, बट ये छोटा साइज़ में है और इसका इसमें मेल फीमेल दोनों ही है, दैट्स वाई आपको इसमें कुछ फिशेज में कलर नहीं दिख रहा होगा, वो फीमेल से ज़्यादातर, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्लू का फीमेल है। अच्छा, उसमें कलर आता नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो वो कभी आएगा भी नहीं इसमें। अभी अगर मैं बोलूँ तो आपको मिल जाएगा डॉल्फिन है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, फीमेल है, मेल फीमेल बोथ है, डॉल्फिन का भी मेल फीमेल बोथ है, पाउडर ब्लू भी है, इलेक्ट्रिक ब्लू नॉर्मल जो है वो भी है, 5 बैंड है, और कुछ मालावी का भी एक दो वैरायटी इधर अवेलेबल है, बट ऊपर से फिर बनाना भी था सुबह तक, मगर अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सेल आउट हो चुका है, तो बनाना टोटली आउट ऑफ स्टॉक है अभी। अच्छा, तो इनका रिटेल प्राइस क्या हो जाएगा अप्रॉक्स? इनका मैक्सिमम आप पकड़ लीजिए नियर अराउंड 100 रुपीज़।
ये सब वैरायटी का 100 रुपीस है या सब कोई? सब सब ओके ओके ओके, मतलब कोई भी ले 100 रुपीस में मिल जाएगा कोई भी। तो इधर एक देख सकते हैं हम लोग, ये कौन सा फिश है भैया? रेड कैप। ओके, ये कितने साइज का है और क्या रिटेल प्राइस है इसका? अगर मैं सिर्फ बॉडी का बात करूँ तो 3 inches के नियर अराउंड होगा। Okay. और अगर मतलब फुल फिश का बात करूँ तो नियर अराउंड ये 4.5 inches या 4 inches के आसपास का फिश है अभी। और इसका जो रिटेल कॉस्ट है वो कितना है? इसका रिटेल प्राइस हो जाएगा आपका 60 rupees। ओके ओके, काफ़ी वेल मेंटेन है, देख सकते हैं आप कालार भी बहुत खूबसूरत है, हेड भी काफ़ी खूबसूरत आ चुका है इनका। तो हेड मतलब नहीं, एक्चुअली इसको कैप बोलते हैं। जी जी जी, कैप बहुत सुंदर है और इसको ठीक से अगर मेंटेन करें तो इसका कैप तो और भी बढ़ेगा। एक्चुअली कैप नहीं बढ़ता है, क्या होता है कि ओरांडा नहीं है, ओरांडा का जो जेली होता है हेड होता है वो बढ़ता है। अच्छा, अच्छा। इसका अगर आप जितना अच्छा मेंटेन करोगे इसका कैप का कलर उतना अच्छा ग्रोथ होगा, उतना अच्छा दिखने में लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक एक आध फिश का है जिसका जो कैप है वो प्रॉपर रेड जो कलर है वो आपको समझ आएगा। और कुछ फिशेज में क्या होता है कि थोड़ा सा डल है वो रेड कलर ही, तो जितना अच्छा मेंटेन करोगे आप उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इनको दिन में कितने बार फीड करते हैं आप? देखिए अभी फीडिंग ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, हम लोग कमर्शियल है तो दैट्स वाई हम लोग 2 बार फीडिंग करते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग में दूसरा नाइट में। अभी आप अगर चाहो तो 1 बार भी कर सकते हो, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट नॉट ओवर फीडिंग, बिकॉज ओवर फीडिंग से फिश सिर्फ मरेगा और कुछ नहीं होगा। ओके ओके, तो इधर गुड क्वालिटी फिश के साथ आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है। तो ये कौन सा, इसमें थोड़ा लाइटिंग नहीं है दोस्तों, तो मैं एक बार फ्लैश ओपन करके दिखा। तो अभी बात कर लेते, ये कौन सा फिश है? ये हो गया आपका नॉर्मल गोल्ड फिश। ओके, और इसका रिटेल प्राइस क्या है? 25। तो देख सकते हैं 25 में आपको गोल्ड फिश मिल रहा है। इधर काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, कलर बहुत सुंदर है इनका, बहुत ग्लो कर रहा है, आपको शायद कैमरा में पता नहीं कितना अच्छा दिखेगा। तो इधर से आप अगर सामने से देखेंगे इसका जो कलर क्वालिटी है बहुत प्रॉपर है और बहुत एक्टिव फिश है। जो फिश इधर है वो सारे काफ़ी एक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि एक कोने में जाके बैठा है या कुछ। मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, काफ़ी वेल मेंटेन्ड ये फार्म है। तो भैया ये गप्पी जो दिख रहा है, इस गप्पी का फीमेल है? अच्छा, फीमेल गप्पी है। सब फीमेल ही है ना? हाँ सब फीमेल है इसमें। ओके, और इसका प्राइस क्या है? इसका आपका रिटेल में 10 rupees पड़ेगा। अच्छा, रिटेल में आपको 10 rupees पड़ेगा ये गप्पीस, जैसा कि आप देख सकते। तो इधर कौन सा फिश है भैया? ये शॉर्ट टेल मॉली है। अच्छा, शॉर्ट टेल मॉली है, और दोनों का टेल मुझे दिख रहा है, दोनों दो टाइप का इधर है, एक का टेल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एक एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्लैटीज भी मिक्स है। अच्छा, दैट्स वाई वो प्लैटी हो गया, और जिसका टेल में आपको एक थोड़ा सा नुकीला टाइप का दिख रहा है वो शॉर्ट टेल मॉली हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिक्स है और कुछ नहीं। ओके, और इसका प्राइस क्या आएगा रिटेल में? इसका प्राइस आपको पड़ेगा 18 rupees। 18 rupees, ओके ओके ओके। और इधर जो फिश दिख रहा है ये हो गया आपका रोजी बार्ब। तो इस फिश का कोई खासियत है या नॉर्मल फिश है ये? आप प्लांटेड में रख सकते हो, नॉर्मल एक्वेरियम में भी रख सकते हो, नॉन एग्रेसिव वैरायटी है, अच्छा दिखने में भी अच्छा है। बिकॉज अभी एक्चुअली ये फिश का क्या हो गया कि इसको हम लोग प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे, इतना सारा टैंक से हर टैंक को तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है प्रॉपरली, तो इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई किसी किसी फिश में आपको रेडनेस दिख रहा होगा, किसी किसी में नहीं दिख रहा है। जो रेड है एक्चुअली वही इसका प्रॉपर कलर है, कुछ सफ़ेद हो चुका है वो इसका मतलब मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है आप लोगों को। तो भैया के पास मैं सामने देख रहा हूँ कि एक काफ़ी अच्छा एक प्लांटेड एक्वेरियम है जिसको काफ़ी वेल मेंटेन किया गया है, उसको भी हम बाद में देखेंगे, वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो पहले बात कर लेते हैं बाकी फिशेस की। तो भैया इधर नीचे जो फिश दिख रहे ये कौन सा है? ये पाकू हो गया आप लोगों को, ये बहुत लोग बोलेंगे इसके बारे में एक मिथ है, इसको पिराना भी बोलते हैं बहुत लोग, ये पिराना नहीं है, ये पाकू हो गया एक्चुअली। ओके, ये मतलब लोकल वैरायटी है आप लोग बोल सकते हो। ओके, और
बहुत सारे बंदे, ये भी मिथ, एक मिथ है कि नहीं वो तो आप बताएंगे, कि बोलते हैं कि पाकू बहुत एग्रेसिव फिश होता है, हाथ भी काट लेता है कभी कभी, तो ये मिथ ये है या ट्रूथ है? नहीं, ये ट्रूथ है। एक्चुअली पाकू जब बड़ा हो जाता है तब वो हाथ में भी काट देता है, इस साइज़ में कुछ नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट हाँ, पाकू बहुत ही एग्रेसिव वेराइटी का फिश हो गया। पाकू सिर्फ अपने मतलब ब्रीड के साथ रहेगा, इसके अलावा कोई भी स्पीशीज़ का फिश इसके साथ नहीं रह पाएगा। मतलब अगर मैं पाकू के साथ कोई और फिश छोड़ू तो वो शायद से मार देगा इसको। ओके, तो मतलब एकदम एग्रेसिव फिश में ये पाकू आता है, पाकू भी बहुत एग्रेसिव है। और ये कौन सा फिश है? इसमें आपका ओरांडा गोल्ड हो जाएगा और बबल आई गोल्ड हो जाएगा, कुछ ये तकरीबन ख़त्म ही हो गया है स्टॉक। ओके, हाँ देख रहे हम, बहुत ही कम स्टॉक बचा है। तो इसका प्राइस क्या है भैया? इसका आपको मतलब जो ओरांडा गोल्ड हो गया वो 45 करके और जो बबल आई हो गया वो 35 करके। ओके, तो बबल आई को देख सकते हैं आप, ये वाला है बबल आई और ये ओरांडा। तो काफ़ी कम स्टॉक्स अभी, काफ़ी कम स्टॉक है, तो जिसको भी चाहिए पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी फटाफट डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है भैया का, तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। लोकेशन पर आना चाहते हैं तो उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो उधर से भी आप डायरेक्ट लाइव लोकेशन पे आ सकते हैं। तो भैया पाकू का हमने ये प्राइस का थोड़ा बताना भूल गया, तो प्राइस थोड़ा बता दीजिए। 25 करके पाकू। ट्वेंटी फाइव करके पाकू है। तो इधर हम लोग ये थोड़ा वैरायटी देख लेते, ये कौन सा फिश है? ये मॉली हो गया, इसमें मिक्स है बहुत सारे कलर्स का, वाइट है, फिर ऑरेंज हो गया, ब्लैक है, तीन कलर का मिक्स है इसमें। ओके, और प्राइस क्या है इसका? इसका 15 रुपीस। और भैया इधर जो हम लोग फिश देख रहे हैं, ये इनका ही छोटा बेबी है या दूसरा कोई वैरायटी है? नहीं, ये एक्चुअली वीडियो ही है, छोटा साइज में है और कुछ नहीं। ओके, और ये इसमें आपका तीन चार कलर मिल जाएगा, इसमें आपका ग्रीन हो गया, येलो हो गया, अच्छा, पिंक भी है कुछ, रेड है और वाइट भी है, ज़्यादातर वाइट है एक्चुअली। अच्छा, ये सेल के लिए रेडी है कि कुछ दिन बाद सेल होगा? नहीं, एक्चुअली सेल तो हो रहा है मगर ये अभी सेल नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज ये बहुत छोटा फिश हो गया। ये अगर आप लोग परचेस करते हो तो इसको एक्चुअली सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इसको छोटा पैलेट्स जो है, आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैलेट्स खिलाओगे तो पैलेट्स ये खा नहीं पाएगा प्रॉपरली, तो उसका ग्रोथ भी नहीं होगा, ना खाने की वजह से फिश मर भी सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते, एक शॉप ओनर का या एक फार्म ओनर का सबसे बड़ा ये मोटिव रहता है कि जल्दी से जल्दी उसका फिश बिक जाए, चाहे किसी भी कंडीशन में रहे, ठीक है, उसका पैसा आना चाहिए। लेकिन इधर जो आप देख रहे कि छोटा बेबीज है, इसलिए भैया जो है परचे ये सेल नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग इसको अभी लेके ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते, ये मर भी सकता है। तो भैया बहुत ही एक अच्छा बात कहे कि अभी इसको हम सेल नहीं कर रहे, तो ये काफ़ी कम शॉप ओनर के पास, काफ़ी कम फार्म ओनर के पास देखने को मिलता है। तो चलिए भैया, अभी हम आपके जो प्लांटेड एक्वेरियम है उसको थोड़ा दिखा देते। तो जैसा कि देख सकते हैं भैया का प्लांटेड एक्वेरियम है, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। तो भैया ये कब सोचा आपने और कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ हम लोगों का फार्म में एक प्लांटेड एक्वेरियम जो है वो लगा सकते हैं? ये एक्चुअली खुद के लिए है, मतलब अपने लिए भी कुछ फिशेस जो अपने को खुद को पसंद है वो सब रखने के लिए ही जस्ट ये प्लांटेड सेटअप किया है, और कुछ नहीं, जस्ट मतलब ये पर्सनल यूज़ के लिए, कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बारे में भी मेरे हम लोग के यूट्यूब चैनल में भी आपको आराम से वीडियोस मिल जाएगा। सेटअप का एक्चुअली क्या हुआ था कि इसका सेटअप का वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था, बट किसी कारण की वजह से वो करप्ट हो चुका है। रिसेंटली में इसके बारे में एक दो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किया है, और एक्चुअली आप जैसे बोल रहे हो कि वेल मेंटेन्ड, ये एक्चुअली अभी थोड़ा सा मतलब हम लोग इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज इतना सारा फिशेस को हम लोगों को टाइम देना पड़ रहा है। दैट्स वाई इसमें रिसेंटली में हम लोगों ने प्लांट्स को कट किया था, 7 डेज भी नहीं हुआ। तो उसके बाद भी जो ग्रोथ मिल रहा है, नॉन CO2 टैंक है, नॉन CO2 में ये अनबिलीवेबल ग्रोथ हम लोगों को मिल रहा है, मतलब आपको समझा नहीं सकते। ये 7 डेज भी नहीं हुआ, इसका जो रोटाला रेड्स ग्रीन्स हो गया ये सब कट किया गया था, मगर फिर भी अभी भी बहुत ही बड़ा हो गया ये सब जी, तो इसको अच्छा मेंटेन अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, कोशिश करेंगे और भी।
अच्छा, ये कितना फीट का एक्वेरियम पे आपका प्लांटेशन है? ये आपका लेंथ हो गया 2 फीट, हाइट जो है वो हो गया 15 इंचेस, और जो विथ हो गया विथ है 12 इंचेस या 1 फीट। ओके, कोई व्यूअर अगर आपके पास से ऐसा जो प्लांट से वो परचेस करना चाहते हैं तो प्लांट्स आपके पास मिल जाएगा? प्लांट्स मिलेगा, बट एक्चुअली प्लांट्स का क्या होता है कि वो हम लोग ऑर्डर बेसिस पे लाते हैं। इनकेस आपको चाहिए आप बोलिए, ऑर्डर दीजिए, विद इन 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज आपको आराम से मिल जाएगा कोई भी प्लांट। ओके, तो जैसे कि आप सुन सकते बहुत ही बड़ा फार्म पे ये जो प्लांट है वो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है ताकि उसको वो ख़राब ना हो जाए। तो अगर आप प्री ऑर्डर करेंगे तो 1 वीक के अंदर आपको वो प्लांट मिल जाएगा। तो अगर कोई प्लांट ऑर्डर करे और कोई अगर फिशेस का ऑर्डर करे, कुछ भी ऑर्डर करे, तो उसका पेमेंट कैसा होगा और उसका अगर प्री पेमेंट होगा कि आफ्टर डिलीवरी होगा? हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, बिकॉज क्या होता है कि बहुत लोग होता है जो ऑर्डर देते हैं बट डिलीवरी के टाइम पे फिश लेते नहीं है जी, जी। तो हम लोगों का फुली प्रीपेड होता है। ओके, कोई भी कैश ऑन डिलीवरी कुछ नहीं। ओके, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, वो एकदम सही बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फिश ऑर्डर करते हैं, प्लांट्स ऑर्डर करते हैं तो बाद में कैंसिल कर देते, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इधर से एक टाइम के लिए वो पैकेटिंग के अंदर ऑक्सीजन रहता है, तो एक फ़िश इधर से जा रहा है फिर से वापस आएगा, तो फिश के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए प्री पेमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो भैया, अगर आप हम बात करें कि ऐसा ही आपका सेम एक्वेरियम अगर प्लांटेशन कोई करना चाहे तो उसमें क्या खर्चा आएगा, क्या उसका अप्रोक्स पड़ जाएगा टोटल प्लांट और फिशेस लेके? सेम साइज़ में अगर कोई बनाएगा तो फिशेस का प्राइस अलग रखते हैं, बिकॉज फिशेस का वो डिपेंड होता है कब मिल रहा है, क्या प्राइसिंग है, क्या मतलब फिशेस जो है वो एवरी डे प्राइस चेंज होता है। तो दैट्स वाई फिशेस को छोड़ कर अगर हम लोग बात करें तो इस सेटअप में नियर अराउंड आप पकड़ लीजिए सेम साइज़ में अगर होगा तो 13,000 to 15,000 नियर अराउंड हो जाएगा, जो प्लांट्स मैंने यूज़ किया सेम अगर आप यूज़ करो तो। और ये लो टेक नॉन CO2 है, दैट्स वाई मतलब इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, नो डाउट, बिकॉज प्लांटेड है, बट जो CO2 नहीं है इसमें, खर्चा एक कॉस्ट कटिंग आ जाता है, और बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज CO2 का प्रॉपर मेजर हर किसी को मालूम नहीं होता है, दैट्स वाई आप इससे स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट प्लांटेड का। ओके, तो जैसे कि आप सुन सकते हैं, एक अगर आप बिगिनर है, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं प्लांटेड एक्वेरियम का, तो 13,000 to 14,000 में आपका जो पूरा प्लांटेशन है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन है। भैया ने जैसा बोला कि 1 वीक करीब करीब हुआ या नहीं हुआ कि प्लांट को कटिंग किया है, फिर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मुझे देख के नहीं पता चल रहा है कि किधर से प्लांट कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और फिशेस भी जो सामने आपको कलर वीडियो दिख रहा है या ग्लो वीडियो कुछ भी बोले, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आपको। ठीक है, देखिए कितना एक्टिव फिश है, खेल भी रहे बहुत अच्छे से। तो चलिए भैया, आपका बहुत बहुत थैंक यू इस ये वीडियो पे हमारा साथ देने के लिए। तो कोई भी अगर कस्टमर कॉल करेगा तो हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा डील वो मिल सकेगा उसको। देखिए, डील बड़ा बात नहीं है, मेन बात क्या हो गया कि हॉबी जो है, हम लोग भी हॉबीस्ट है एट फर्स्ट, मैं भी हॉबीस्ट ही हूँ, एक हॉबीस्ट के बाद बिजनेस है मेरा, तो मैं भी कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे को कोई ख़राब फिश कोई डिलीवर करे या फिर कुछ करे, तो सबसे अच्छा है आप लोग आके लेके जाओ, बेस्ट होता है। ठीक है, और मोस्ट वेलकम टू यू, आप कभी भी आओ, वीडियो बनाइए, आपको अपलोड करना है कीजिए, कोई बात नहीं है, इजीली कर सकते हो आप। और बाकी हॉबीस्ट लोग के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे हम कि आप लोग हॉबी में अगर नया आ रहे हो तो कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा रिसर्च और स्टडी कीजिए फिर स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, बहुत लोग कर देते हैं कि एक ही दिन में एक एक्वेरियम परचेस किया, उसी दिन में पानी ऐड किया, उसी दिन को फिश ऐड कर लिया, फिल्टर ऐड कर लिया, सब कुछ एक दिन में नहीं करना चाहिए आपको। जैसे कि आपका घर एक दिन में नहीं बनता है ना, उसको धीरे धीरे टाइम लगता है, दैट्स वाई ये भी उन लोग का घर है फिशेस का, तो इसको भी धीरे धीरे टाइम के साथ बनाना पड़ता है। 3 to 7 डेज इसको मिनिमम टाइम देना पड़ता है, साइकिल करना पड़ता है, उसके बाद फिशेस ऐड कीजिए, एक भी फिश डैमेज नहीं होगा, डेथ नहीं होगा, आराम से आप लोग रख पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भैया से आपको मिला। तो एक्वेरियम न्यू खरीदेंगे तो आप 2-3 दिन उसको साइकिल कीजिए भैया ने जैसा बोला,
तो इधर आपको काफ़ी अच्छा डिटेल्स मिलेगा। कॉल करें आप, अगर कॉल करेंगे तो भैया बोल देंगे अगर आपके पास कोई फ़िश है तो उसके साथ कौन सा फ़िश आप रख सकते, वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा कि ऐसा नहीं कि आप जिस फ़िश का ऑर्डर करेंगे वही फ़िश आपको डिलीवर मिल जाएगा। पहले भैया को बताइएगा कि क्या कौन सा फ़िश है, भैया उस हिसाब से आपको बोलेगा कि कौन सा फ़िश आपको रखना चाहिए और कौन सा नहीं। तो भैया नीचे भी शायद ये हम लोग कुछ चिकलेट्स का वेराइटी देख रहे, तो ये कौन सा चिकलेट है और क्या इसका प्राइस है वो थोड़ा बता दीजिए। ये एक्चुअली रेड जुएल चिकलेट हो गया, और जो बड़ा वाला देख रहे हैं आप लोग वो एक्चुअली ग्रीन टेरर बोलते हैं कोई लोग, कुछ लोग इसको नियोनकारा भी बोलते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्ट्रेस फिश है, और ये एक्चुअली मेरे ही एक दोस्त का है जो मतलब वो रख नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई मेरे को देखे गया है कि तुम रखो। तो ये एक्चुअली नॉट फॉर सेल है, बट आप लोग लेना चाहो तो मैं बात करके देख सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। बाकी जो रेड जुएल्स है ये आपका प्राइस हो गया इसका 35 करके पर पीस। ये जो आप देख सकते हो इसका साइज़ एक्चुअली ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फिश है, आज ही आया है दैट्स वाई। बट इसका जो कलर है ये टोटली रेड हो जाएगा, टोटल रेड हो जाएगा, बिकॉज इसका बॉडी जो है टोटली रेड होता है। बट आज ही आया है दैट्स वाई ये स्ट्रेस की वजह से ऐसा कलर है। तो जैसे कि आप ये फिश को देख सकते हैं, ये टोटली भैया बोले कि ये वाला टोटली रेड हो जाएगा। तो ये फिश, ये वाला जो है ये नॉट फॉर सेल है, लेकिन आपको अगर परचेस करना है तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये फ़िश मुझे परचेस करना है। तो भैया कांटेक्ट करके देखेंगे कि कौन सा फ़िश आपके पास एक्वेरियम में है, ये आपके पास रहेगा कि नहीं, फिर आपको ये सेल किया जाएगा। तो चलिए भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो में साथ देने के लिए, उम्मीद करते आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और बस आज का वीडियो इतना ही, और भैया कुछ आप अगर व्यूअर्स को कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए एक हॉबी में आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करके, कोई भी हॉबी हो, सिर्फ एक्वेरियम नहीं, आपको कोई भी पेट पालना हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए एट फर्स्ट, देन आप हॉबी में उतरिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी पेट आप लेके जा रहे हो घर पे वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपको भी दिखने में अच्छा लगेगा, कोई आएगा आपके घर पे तो उसको भी देखने में अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट, आपको अगर कुछ भी चाहिए आप इजीली कांटेक्ट कीजिए। बाकी किसी को भी अगर देखिए फ़िश सिर्फ परचेज नहीं, किसी को मतलब हेल्प चाहिए कोई भी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, या फिर कोई मतलब फ़िश को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई जो भी फील्ड में हम लोगों को नॉलेज है, आपको अगर इन केस कोई भी हेल्प चाहिए, आपको फ़िश परचेज़ नहीं करना है कि भैया मेरे को ये चीज़ जानना है कि ये डिज़ीज़ या फिर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको कैसे फिक्स करें, जितना हम लोगों को नॉलेज है हम लोग आपके साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे। बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने बोला, हम लोग एट फर्स्ट हॉबीस्ट है, सेलर्स नहीं, फार्मर भी नहीं, सेलर्स भी नहीं, एट फर्स्ट हॉबीस्ट, उसके बाद बिजनेस या कमर्शियल साइड में हम लोग आए हैं। तो दैट्स वाई हेल्प करने को मतलब हेल्प करने के लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं है, और 24/7 कभी भी आप कॉल कीजिए, कॉल करके इजीली कांटेक्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ एक चीज़ क्या है कि आप कॉल किए या तो हम लोग कट कर दिए या फिर फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे तो वो बिजी है, दैट्स वाई नहीं कर पा रहे, या तो कॉल बैक करेंगे हम लोग या फिर थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। तो वो क्या होता है कि आपको भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, काम रहता है, दैट्स वाई हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, बट जितना जल्दी हो पाएगा हम लोग रिस्पॉन्स ऑब्वियसली करेंगे। और जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिए भैया, वो कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है? हाँ हो जाएगा, व्हाट्सएप उसी नंबर पर है, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से अच्छा है आप लोग कॉल कर लीजिए तो बेस्ट रहता है, रात के टाइम पर व्हाट्सएप कीजिए काइंडली। ओके, और अगर कोई कस्टमर्स कहे कि हम लोगों के व्यूअर से कोई अगर बोले कि भैया मुझे ये फ़िश चाहिए, मुझे थोड़ा व्हाट्सएप पे फ़ोटोज चाहिए, वो प्रोवाइड हो जाएगा उनको? आराम से, आराम से, अगर हम लोग के पास अवेलेबल है तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो भैया को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, सिलीगुड़ी फ़िश फार्म को, बहुत ही वेल मेंटेन है और बहुत ही एक अच्छा थिंकिंग है भैया का कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई बिजनेसमैन जैसा कोई थिंकिंग नहीं है कि सिर्फ सेल करना ही, सेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर आपका फ़िश को कोई प्रॉब्लम है, टैंक में कोई प्रॉब्लम है तो भी भैया से आप बात कर सकते हैं, और जो मेडिसिंस भैया रहते वो भी आपके इधर से प्रोवाइड हो जाएगा। आपको बुखार है?
आपको बुखार है जी? नहीं। तो फिर आप क्यों मेडिसिन लोगे? तो फिश को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मेडिसिन देना है? आपको मेडिसिन नहीं देना है, बैक्टीरियाज ऐड करने हैं जो फिश के लिए हेल्दी होता है। तो बुखार नहीं है, मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम होगा आप कॉल कीजिए ना, आराम से कीजिए। कोई भी इशू आ रहा है तब बोलिए ना मेडिसिन क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है आराम से फिश को रखिए। बहुत ही अच्छा बात भैया ने कहा कि फटाक से ये मछली को ये प्रॉब्लम हुआ, ये फिश को ये प्रॉब्लम हुआ। फटाक से भैया का कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बुखार नहीं है, बुखार का टैबलेट आप दवाई नहीं खाएंगे, तो वैसा ही फिश का बगैर प्रॉब्लम जाने हुए उल्टा सीधा दवाई, आप उल्टा सीधा मेडिसिन यूज़ ना करें। तो भैया आपकी इजाज़त से आज का वीडियो इधर ही एंड करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आपका भी फार्म का जो सिलीगुड़ी फार्म जिस पे हम लोग आज आए हैं वीडियो करने के लिए, उसके तरफ से भी मेरे तरफ से व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऑलवेज़ वेलकम सिलीगुड़ी फ़िश फार्म में। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है सिलीगुड़ी फ़िश फार्म बोल के, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उधर से आप इसका इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको विज़िट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते कहीं अगले मोड़ पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।